तो भाई लोग जाना तारा लो, काल रिजल्ट आया बाकी के चुनाव जीते। ठीक बा, रुको लोग 1 मिनट फोन लगा दी है मैं, ओकरा बाद तालुंग से बातचीत कर जाइए। काल रिजल्ट आया बाकी के चुनाव चुनाव जीते काराकाट से। कोनो पार्टी के हम बात नहीं करो तो प्लीज बुरा मत मानिए लोग। ठीक बा, तो भैया हम तनी वीडियो आजकल ना बनाओ तनी हो ये सब मुद्दा पर, कैसे कि भाई लोग तनी हमारे जिंदगी में उतल फुतल लागल बा, मतलब कि हमारी जिंदगी तो एने वन हो गई बा। ठीक बा, तो जाना कारण से हम वीडियो ना बनाओ तो नहीं हम, मगर आज सोचनी हो कि हम काहे ना एगो वीडियो बनाई जेमे तालुम से हम पूछी कि काराकाट से के चुनाव जीती, पवन सिंह की, उपेंद्र कुशवाहा की, कोई और। मतलब हम चाहता नहीं कि काल रिजल्ट आए, उससे पहले तू लोग कॉमेंट करके बताओ लोग कि आखिर में के चुनाव जीत सकता। कैसे कि भाई लोग तालुम के पता हुई कि पवन सिंह ए मतलब ए साल इस सीजन में चुनाव में बहुत ज्यादा फोकस कैलावन, और इतना फोकस कैलावन कि भाई लोग काराकाट में हर भोजपुरी सुपरस्टार के ले जाके वहां पर और प्रचार करैलावन कि देख लो भैया तहालुंग के एगो भाई, छोट भाई चाहे बड़ भाई चाहे बेटा चाहे लड़का पवनवा उठल बा, जना के छाप कैंची छापा तो तू लोग वोट जरूर दही लोग। और भाई लोग पवन सिंह माहौल बना दिले रहन काराकाट में, मतलब कि माहौल के बना के रख दिले रहन काराकाट में। और भैया चुनाव तो शायद एक तरीके शायद वहाँ मतलब वोटिंग रहा, तो वोटिंग हो चुकल बा, और काल रिजल्ट आ जाए कि आखिर में पवन सिंह चुनाव जीतला हमन कि ना जीतला हमन। मगर हम आज जाने के चाहता नहीं, तो जे भी काराकाट के लोग इस वीडियो के देखता तो प्लीज कमेंट करो कि का पवन सिंह चुनाव जीत पाई हन या कि ना, और ये भी बतैह लो कि का तू लोग पवन सिंह के वोट देले वालों कि ना। और भैया अगर जो पवन सिंह जीत जाता रहन तो भैया माहौल बना दीहन पवन सिंह, कैसे कि भाई लोग तू लोग सोच सकता लोग कि पवन सिंह जब चुनाव पर बहुत ज़्यादा फोकस करते रहन, तो भैया अगर जो जीत जाता रहन तो कुछ ना कुछ अलग जरूर करीहन काराकाट में। अब तालू के का लगता प्लीज कमेंट करके बताओ लोग, तब तक के लिए नमस्कार।